गांधी चित्रकूट के दौरे पर हैं आज। और प्रियंका गांधी जब यहां पर पहुंची तो उन्होंने बढ़चढ़कर पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। शिव की आराधना की गई और मंदिर के पुजारी ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान महिलाओं से भी उन्होंने नाव पर ही संवाद किया। तो ये तस्वीरें आपको चित्रकूट की दिखा रहे हैं जहां मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रियंका ने मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट स्थित मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का दूध और जल से अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी रामजी दास ने प्रियंका गांधी को मत गजेंद्रनाथ की प्रतिमा भी भेंट की है, जिसके बाद मंदाकिनी नदी के किनारे नाव पर बने मंच से महिलाओं से संवाद भी किया प्रियंका गांधी ने और फिर कुछ महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली है। तो चित्रकूट की ये तस्वीर आप देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पाल लगाने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रही हैं और आज वो चित्रकूट में हैं। चित्रकूट में प्रतिज्ञा लेकर यहां पर पहुंची हैं महिलाओं के बीच। प्रियंका गांधी की ये तस्वीर, महिलाएं उनके साथ फोटो निकलवा रही हैं, सेल्फी ले रही हैं और प्रियंका गांधी को अपने बीच पाकर वहां की महिलाएं भी बेहद खुश नजर आ रही हैं। तो विधानसभा चुनाव के दौरान क्रेडिट लेने की होड़ भी देखने को मिल रही है अब। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, जिसका कल उद्घाटन किया गया था और बड़े बड़े प्लेन्स वहां पर उतरे थे। उसी एयर स्ट्रिप पर अखिलेश यादव पहुंचे और उनके साथ राजभर भी मौजूद थे। बिल्कुल, ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया था, उत्तर प्रदेश को समर्पित किया था और यहां पर वो एयर शो भी हुए थे जिसमें मिराज, सुखोई और AN-32 जैसे विमानों ने अपना शौर्य का परिचय दिया था। और आज यहां पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर पहुंचे हैं और उनके साथ लोगों की भीड़ भी पहुंची है। एक दिन बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हैं, तो अपनी सियासी ताकत दिखाने उतर गए हैं अखिलेश यादव और एक्सप्रेसवे की उसी एयर स्ट्रिप पर यात्रा कर रहे हैं जहां 24 घंटे पहले पीएम मोदी और सीएम योगी के मेगा शो में मिराज और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उतारे गए। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, 4:64 में खबरें लगातार जा रही है, छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।